अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल जहानारा फैशन टिप। सो गाइस, इससे पहले का वीडियो आपने ज़रूर देखा होगा जिसमें मैंने लीफ बनाना बताया है। आज मैं आपको फ्लावर बनाना बताऊंगी, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो चार्जर की बूटी है हम वो बनाएंगे। उसके लिए मैंने, देखिए, एक लाइन छोड़ के मैंने इस फ्लावर से कम्प्लीट किया और एक लाइन छोड़ते हुए मैंने चार बूटी बनाना है। मुझे कहने का मतलब है चार कॉलम बनाना है एक साथ। इस तरीके से मैं चार कॉलम बना लूँगी। ये चार कॉलम बनने के बाद फिर से मैं एक लाइन छोड़ते हुए उसी से मिलाते हुए मैं फिर से चार कॉलम बनाऊँगी। देखिए, जस्ट मैंने एक लाइन छोड़ा है और बिल्कुल उससे मिलाते हुए ही मैंने चार कॉलम बनाए। अब मैं फिर से तीसरा भी ऐसे ही एक लाइन छोड़कर चार कॉलम कंप्लीट करूँगी। जिस तरीके से गाइस मैं ये फ्लावर बना रही हूँ, बिल्कुल इसी तरीके से आप फॉलो कीजिएगा गिन गिन कर, क्योंकि दुसुत्ती का जो डिज़ाइन होता है वो गिन कर बनता है। अगर आप गिन के बनाएंगे तो कोई भी मिस्टेक नहीं होगी। देखिए, मेरे बूटे तैयार हो गए। अब मैं फ्लावर बनाऊंगी। फ्लावर के लिए मैंने इस लीफ का सहारा लिया और इससे पांच कॉलम छोड़ते हुए छठे से हम वर्क स्टार्ट करेंगे। छठे से मैंने टोटल थ्री कॉलम बनाए हैं। देखिए, सबसे पहले हम थ्री कॉलम बनाएंगे। थ्री कॉलम के ऊपर मैं फोर कॉलम बनाऊंगी, बिल्कुल थ्री से मिलाते हुए। एक मेरा आगे की तरफ जाएगा और इसी तरीके से मैं और भी दो लाइन कंप्लीट करूँगी फोर के। सो देखिए गाइस, मेरा दो और लाइन कंप्लीट हो गया इस तरीके से। कहने का मतलब है फोर का मेरा टोटल तीन लाइन कंप्लीट हो चुका है। फोर कॉलम से मिलाते हुए मैं आगे की तरफ फाइव कॉलम कंप्लीट करूँगी और उसके नीचे फाइव और कॉलम कंप्लीट करूँगी। तो देखिए, मैंने दो लाइन कंप्लीट किए फाइव फाइव कॉलम के। अब मैं उसके नीचे फोर कॉलम बनाऊंगी एक छोड़ते हुए। सो देखिए गाइस, मेरा फोर कॉलम भी कंप्लीट हो गया। अब मैं फोर से मिलाते हुए थ्री कॉलम कंप्लीट करूंगी। बीच में मेरा एक कॉलम छूट जाएगा। सो गाइस, देखिए मेरा थ्री कॉलम भी कंप्लीट हो गया। एंड गाइस, अब हम यहाँ से वर्क स्टार्ट करेंगे। यहाँ से मैं एक छोड़ते हुए फोर कॉलम बनाऊंगी। सो गाइस, देखिए मेरा फोर कॉलम बन गया और मैं एक कॉलम छोड़ते हुए केवल वन कॉलम बनाऊंगी। देखिए, इस तरीके से मेरा वन कॉलम बन के तैयार है। एक कॉलम बनने के बाद एक से एक के ऊपर से ही बिल्कुल मिलाते हुए मैं बाहर की तरफ थ्री कॉलम बनाऊंगी। देखिए, वन टू थ्री, थ्री कॉलम बाहर की तरफ बनाना है एक से मिलाते हुए। तीन कॉलम बनाने के बाद एक आगे की तरफ बढ़ाकर मैं फाइव कॉलम बनाऊंगी। देखिए, इस तरीके से आगे की तरफ फाइव कॉलम बनाऊंगी। सो गाइस, मेरा फाइव कॉलम भी कंप्लीट हो गया। मैं इसके ऊपर टोटल सेवन कॉलम बनाऊंगी एक इससे बिल्कुल मिलाते हुए। फाइव कॉलम जिधर से मैंने बनाया है, जो मेरा आगे की तरफ एक निकला है, उससे मिलाते हुए मैं बिल्कुल सेवन कॉलम बनाऊंगी। देखिए, जहाँ से मैंने फाइव शुरू किया था वहीं से सेवन भी शुरू करूँगी और आगे की तरफ सेवन कॉलम बनाऊँगी। सो गाइस, देखिए मेरा सेवन कॉलम कंप्लीट हो गया। अब देखिए गाइस,
मैं इसके ऊपर टोटल 5 कॉलम बनाऊंगी, जो कि मैं दोनों साइड से एक एक कॉलम छोड़ दूंगी और मैं 5 कॉलम बना लूंगी। देखिए मेरा 5 कॉलम कंप्लीट हो गया। अब मैं 4 कॉलम बनाऊंगी एक कॉलम छोड़ते हुए। तो देखिए गाइस मेरा 4 कॉलम कंप्लीट हो गया। अब 4 के ऊपर मैं 2 कॉलम बनाऊंगी, जो कि बिल्कुल बीच में बनाऊंगी, एक साइड से दोनों साइड से एक एक कॉलम छोड़ते हुए। देखिए इस तरीके से दोनों साइड से मैं एक एक कॉलम छोड़ दूंगी और मैं 2 कॉलम कंप्लीट कर लूंगी। इससे मेरा 3 लीफ फ्लावर के कंप्लीट हो जाएंगे, 3 पंखुड़ी। देखिए मेरे 3 लीफ कंप्लीट हो गया। अब मुझे 2 और बनाने हैं, 1 से एक आगे से, इस तरीके से। देखिए 1 से एक आगे लूँगी, लेकिन बिल्कुल उससे मिलाते हुए एक आगे लेना है, एक कॉलम आगे से मैं 4 कॉलम कंप्लीट करूँगी उसके आगे। देखिए इस तरीके से मैं 4 कॉलम कंप्लीट कर लूँगी। सो देखिए गाइस मेरा 4 कॉलम कंप्लीट हो गया। अब मैं एक आगे बढ़ाते हुए 5 कॉलम 2 लाइन कंप्लीट करूँगी। देखिए गाइस मैं आपको इस तरीके से दिखाती हूँ, इससे साथ साथ मिलाते हुए मैं 4 के आगे से 5 कॉलम 2 लाइन के कंप्लीट करूँगी। सो देखिए गाइस मेरा कंप्लीट हो गया 4 कॉलम एंड 5 कॉलम के 2 लाइंस। एंड गाइस अब हम बनाएंगे, देखिए जहाँ से हमने 5 शुरू किया था बिल्कुल वहीं से ही हम शुरू करेंगे, उससे मिलाते हुए और आगे की तरफ 4 कॉलम बनाएंगे। देखिए जहाँ से हमने 5 बिल्कुल शुरू किया था वहीं से बनाएंगे हम बिल्कुल मिलाते हुए, एंड हम 4 कॉलम कंप्लीट करेंगे। देखिए मेरा 4 कॉलम कंप्लीट हो गया, एंड जहाँ हमारा 4 ख़त्म हुआ है बिल्कुल वहीं से मिलाते हुए बाहर की तरफ 3 कॉलम बनाएंगे। देखिए 4 जहाँ हमारा कंप्लीट हुआ है वहाँ से हम लेंगे और 3 कॉलम बाहर की तरफ बनाएंगे। इस तरीके से देखिए गाइस ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। देखिए मेरा एक लीफ और कंप्लीट हो गया, जस्ट मेरा अब एक लीफ रह रहा है। लास्ट लीफ बनाने के लिए जो हमने 4 कॉलम बनाया था उसके ऊपर जो हमने 5 कॉलम बनाया था बिल्कुल वहीं से हम ऊपर की तरफ 3 लाइन कंप्लीट करेंगे 5 कॉलम के। देखिए गाइस जो हमने 5 कॉलम की लाइन बनाई थी उससे मिलते हुए हम ऊपर की तरफ 5 कॉलम की 3 लाइन कंप्लीट करेंगे। देखिए मेरा कंप्लीट हो गया। अब मैं ऊपर की तरफ एक कॉलम छोड़ते हुए नीचे के जो मेरे 3 कॉलम बचे हुए हैं उसको मैं कंप्लीट कर लूँगी और मेरा फ्लावर कंप्लीट हो जाएगा। सो देखिए गाइस मेरा फ्लावर कंप्लीट हो गया। अब मैं बीच के पार्ट के लिए येलो कलर का यूज़ करूँगी, आप किसी भी कलर का यूज़ कर सकते हैं। देखिए बीच में मेरा आप देखेंगे तो बीच में आपका 4 क्रॉस एक साथ बन रहा है, आपको इसके लिए कोई मेहनत नहीं करनी है, बस 4 क्रॉस बन रहा है, उस 4 क्रॉस पे आपको धागे को चला देना है। देखिए मेरा बनकर तैयार है। अब मैंने इसकी डाली के लिए चौक मिट्टी का यूज़ किया है, इसके लिए मैंने किसी कॉलम का यूज़ नहीं किया, इस तरीके से मैंने ड्रॉ किया है, जस्ट जैसे हम नॉर्मल फ्लावर ड्रॉ करते हैं बिल्कुल उसी तरीके से मैंने इसकी डालियों को ड्रॉ किया है और उस पर धागा चला दिया है। सो देखिए गाइस नॉर्मल मेथड से जैसे हम और लाइन्स बनाते हैं उसी मेथड से मैं इसके ऊपर लाइन चला दूँगी। मेरा फ्लावर बनकर तैयार है, आप भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका फ्लावर बनने के बाद कैसा लग रहा है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा। ओके गाइस फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा।